दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में हम सुबह से लेकर शाम तक कई काम करते हैं और उन कामों में कई काम ऐसे होते हैं जो हम जाने अनजाने में पूरी तरह से गलत कर रहे होते हैं, जैसे खाना पीना, ब्रश करना आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने की हमारी एक आदत बन चुकी है और उसी आदत के कारण हमको ये भी नहीं पता चल पाता कि हम उन्हें सही कर रहे हैं या गलत। तो चलिए जानते हैं ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जो हम रोज़ गलत करते हैं। 10 things you do wrong in your daily life। नंबर 1, टूथब्रश करना। अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करना तो हम बचपन से ही सीख लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को दांतों की सफाई का सही तरीका मालूम नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि दांतों को अच्छे से साफ करने के लिए टूथपेस्ट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टीवी एड में बताए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट में भी टूथपेस्ट को पूरे टूथब्रश पर फैलाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन वे कंपनियां ऐसा इसलिए करती है क्योंकि लोग भी उन्हें देखकर ऐसे ही करें, जिससे उनका टूथपेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और उन्हें फ़ायदा हो सके। डेंटिस्ट कहते हैं कि टूथपेस्ट का काम मुँह में सारा झाग बनाना नहीं होता है, बल्कि इसका मेन मकसद ब्रश के जरिए दांतों को साफ करने की प्रोसेस को आसान बनाना होता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल टूथब्रश के ब्रशेस को नरम बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हम हमारे मसूड़ों को किसी भी तरह की चोट ना पहुंचा सकें और दांतों में जमी गंदगी नरम होकर बाहर निकल जाए। डेंटिस्ट के अनुसार दांतों को साफ करने के लिए मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना काफ़ी होता है, और केवल इतनी ही मात्रा में दांतों की सफाई अच्छी तरीके से हो सकती है। इसके अलावा ब्रश करते समय लोग एक बड़ी गलती भी करते हैं, और वो ये है कि ब्रश को केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चलाना, यानी बाएं से दायां और दायां से बाएं चलाना, मगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी ब्रश को चलाना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इस तरह से आपके दांतों की सफाई अच्छी तरीके से हो सकती है। उम्मीद है इसके बाद ब्रश करते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 2, बालों को बार बार धोना। माना कि बालों की सफाई करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगर कुछ लोगों की आदत होती है डेली 2-3 बार बालों को धोना या फिर हर दिन शैम्पू लगाने की, जो कि गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सर में और बालों में शेबम ऑयल नामक का प्राकृतिक ऑयल होता है, जो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मगर बालों को रोज़ाना धोने से और डेली शैम्पू लगाने से हमारे बालों में शेबम की मात्रा कम होने लगती है। शेबम की कमी से धीरे धीरे हमारे बाल खराब होने लगते हैं और समय के साथ साथ रूखे सूखे और बेजान होने लगते हैं। जो लोग अपने बालों को ज़्यादा धोते हैं, उनके बालों का घनापन उम्र से पहले ही खत्म होने लगता है। तो अब आपका क्या इरादा है, कितनी बार धोएंगे अपने बालों को? नंबर 3, अलार्म बंद करके फिर से सो जाना। चाहे आप ऑफिस वाले हों या फिर एक स्टूडेंट, नहीं तो मॉर्निंग वर्कआउट करने वाले, हमें सुबह जल्दी टाइम पर उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः एक व्यक्ति जिसको सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, वह अपनी घड़ी में 1-2 घंटे पहले यानी 8 या फिर 9 बजे का अलार्म लगाता है, ताकि उठने के बाद 1-2 घंटे के बीच वह अपने सारे काम निपटा ले। लेकिन अलार्म बजने के बाद बहुत से लोगों की आदत होती है अलार्म बंद करके फिर से सो जाने की। जब हम दोबारा सोते हैं तो हमारा दिमाग उतनी गहरी नींद में नहीं जा पाता जितनी कि वह पहले था, और जागने के बाद वह 5-10 मिनट की नींद आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है, जिसकी वजह से उठने के बाद हमारा दिमाग थका हुआ और भारीपन महसूस करता है और दिन भर आपको आलस आता रहता है, जिसकी वजह से हमारा मन काम में पूरी तरह नहीं लग पाता। इसीलिए हमेशा सही वक्त का अलार्म सेट करें और दोबारा न सोएं, क्योंकि इससे आपके पूरे दिन पर असर पड़ेगा। नंबर 4, साबुन और बॉडी लोशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग नहाते समय बॉडी पर झाग बनाने के लिए बहुत सारे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस बात को जान लो कि हमारे शरीर की पूरी तरह सफाई करने के लिए बहुत सारे झाग की ज़रूरत कभी नहीं होती। केवल थोड़ा सा साबुन या फिर शरीर पर बहता हुआ साबुन ही काफ़ी होता है हमारे शरीर की सफाई के लिए। साबुन और बॉडी वॉश को ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा में सूखापन और झुर्रियाँ बढ़ने लगती है। भले ही आप टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी देख रहे हों, मगर हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे शरीर में खुद को फिट रखने और स्वस्थ रखने के लिए सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद होती है। नंबर 5, काम के बीच से ही ब्रेक प्लान करना। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करने वाले,
किसी भी काम को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए काम के बीच में ब्रेक लेना का एक अच्छा समय निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के डेली रूटीन में एक न एक समय ऐसा जरूर होता है जब आपका मन काम में सबसे ज्यादा लगता हो। इसलिए जिस समय आपका मन काम में लग रहा है उस वक्त के बीच में ब्रेक लेने को अवॉइड करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका मन सुबह पढ़ाई में ज्यादा लगता है लेकिन आप शाम को पढ़ते हैं तो आपका मन इधर उधर की चीजों में लगा रहेगा और आप स्टडी पर चाहकर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। नंबर 6, सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग, आंख और नींद पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली लाइट हमारे माइंड को रिलैक्स होने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें शांत नहीं हो पाती और हमारी आंखें दुखने लगती है और हमें नींद जैसी फीलिंग आने लगती है, लेकिन हमें नींद नहीं आती। जो लोग हमेशा ऐसा करते हैं उन्हें सोने से पहले अपने सामने मोबाइल रखने की वजह से अनिद्रा यानी इंसोम्निया और मिग्रेनिया जैसी बीमारियां होने लगती है। नंबर 7, टॉयलेट में बैठने की पोजीशन। चेयर पर बैठने जैसी पोजीशन में बैठकर फ्रेश होना बहुत ही आरामदायक होता है, लेकिन इस पोजीशन में बैठकर मल विसर्जित करना हमारे पेट और आंतों के लिए बहुत हानिकारक है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसकी वजह से पेट में गैस, कब्ज और पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 90 डिग्री यानी सिटिंग पोजीशन में बैठकर जब हम मल विसर्जित करते हैं तो हमारा पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और मल का कुछ हिस्सा हमारे शरीर के अंदर ही रह जाता है। इसलिए सोच के लिए हमेशा देसी टॉयलेट का ही इस्तेमाल करें, या इंग्लिश टॉयलेट हो तो अपने पैरों के नीचे स्टूल रख लें। ऐसे करने से हमारे पैर 40-35 डिग्री फोल्ड हो जाते हैं और सोच की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नंबर 8, सांस लेना। दोस्तों, सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि सांस लेने में क्या गलत हो सकता है। दरअसल सांस लेने जैसी छोटी छोटी बातों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा ली गई ऑक्सीजन उनके फेफड़ों की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाती, केवल ऊपरी हिस्सों में जाकर ही वापस आ जाती है। हमारे फेफड़ों के निचले भाग यानी कि अपर एब्डोमेन वाले हिस्से में डायफ्राम मौजूद होता है, जहां तक ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी सांस लेने की आदत की वजह से हम अपने फेफड़ों का आधा इस्तेमाल ही करते हैं, जिसके कारण हमें जल्दी सांस लेनी पड़ती है। हमारा शरीर रोजाना जल्दी थक जाता है और रात होते होते हमारा सर भारीपन सा महसूस होने लगता है। इसलिए लंबी सांस लेने की आदत डाल लीजिए, जिससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और दिमाग शांत। नंबर 9, सोने की सही पोजीशन। नींद से जुड़ी कई समस्याओं से लोग परेशान हैं, जैसे ठीक से नींद नहीं आना, गहरी नींद नहीं आना, देर से नींद आना, उठने के बाद थकान महसूस होना वगैरह वगैरह। विज्ञान की माने तो हर व्यक्ति को कम से कम 7-8 घंटे की नींद देनी जरूरी है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। स्लीपिंग ड्यूरेशन यानी नींद के समय के साथ साथ स्लीपिंग पोजीशन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सोते समय उल्टे हाथ की तरफ ही करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन की पाचन की प्रक्रिया आसान हो जाती है और हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। नंबर 10, ईयरफोन पहनने का सही तरीका। ईयरफोन पहनने में हम सभी से गलती हो जाती है। देखा जाता है लोग सीधे ही ईयरफोन को अपने कानों में डाल लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ईयरफोन पहनने का सही तरीका यह है कि आपको इसको अपने कान के ऊपर से पलटकर कान में डालना चाहिए। इससे ईयरफोन गिरता नहीं है और हमारे कानों में भी दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वो 10 चीज़ें जो आप हर रोज़ गलत करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भी ऐसी रोचक और जानकारी से भरी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।